वेलकम टू किड्स प्ले है। आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 10 को चांद। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट को पढ़ लेते हैं। गर्मियों की रात थी। साबिर और सना अपने अबू और अम्मी के साथ छत पर बैठे थे। आकाश में चांद दिखा, गोल गोल थाली जैसा। साबिर बहुत खुश हुआ। उसने सना से कहा, देखो दीदी, चांद कैसे चमक रहा है, वहां कौन रहता होगा। सना बोली, अभी तक चांद पर जीने के लिए जरूरी हवा, पानी, भोजन आदि नहीं मिल पाए हैं, इसलिए वहां कोई नहीं रहता। हो सकता है कल यह संभव हो। साबिर ने अम्मी से कहा, चांद के बारे में कुछ और बताइए ना। अम्मी बोली, चांद हमारी धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। धरती से कुछ लोग रॉकेट में बैठकर चांद पर गए। वहां पहुंचकर वे खुशी से कूदे तो बहुत ऊंचे उछल गए। चांद पर बड़ी बड़ी चट्टानें और गड्ढे हैं। वे लोग वहां से मिट्टी और चट्टानों के नमूने धरती पर लेकर आए। साबिर ने पूछा, चांद पर इतनी चमक कहां से आती है। अब्बू ने बताया, चांद को सूरज से प्रकाश मिलता है। हमारी धरती को भी सूरज से प्रकाश मिलता है। सूरज को रोशनी कौन देता है, साविर ने फिर पूछा। सूरज एक तारा है। तारों की अपनी रोशनी होती है। आसमान में ये जो तारे टिमटिमा रहे हैं, वे सब हमारे सूरज की तरह हैं। इनमें कुछ तो सूरज से भी बड़े हैं। ये हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए छोटे छोटे दिखाई देते हैं, अबू ने बताया। अम्मी ने कहा, अगले महीने ईद है, तब तुम्हें चांद की कहानियां सुनाएंगे। तो अब हमने इस पाठ को पूरा पढ़ लिया। अब इसके हम कुछ शब्द अर्थ देख लेते हैं। आकाश यानी कि आसमान, चांद यानी चंद्रमा को कहते हैं, धरती पृथ्वी को कहते हैं, रोशनी होता है उजाला, चमक, प्रकाश, जगमग। कूदना यानी कि उछलना। आगे चलते हैं। बताओ, पहला प्रश्न है, बताओ का चांद पर कोई क्यों नहीं रहता। अभी हमने पढ़ा था, चांद पर ना तो पानी है ना ही हवा है, इस कारण कोई वहां नहीं रहता है। नेक्स्ट है, हमारी धरती और चांद को प्रकाश कहां से मिलता है। हमारी धरती और चांद को प्रकाश सूरज से मिलता है। नेक्स्ट है प्रश्न दो, रात में जब चांद निकले तो उसे ध्यान से देखो, अपनी किताब में चिन्ह लगाओ। किस चित्र जैसा दिखाई देता है, जैसा कि आपकी किताब में चांद के फोटो दिए गए हैं स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, तो आपको एक रात को चांद देखकर अपनी किताब में ये टिक लगाना होगा कि आज चांद आपके फोटो में किस चांद से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये काम बच्चों आपको स्वयं करना है, किताब खोलकर रात में चांद को देखकर इसमें चिन्ह लगाना है। तीसरा है, बताओ शाम होने पर चिड़िया क्या करती है, तुम क्या करते हो। शाम होने पर चिड़िया अपने घोंसलों में चली जाती है और हम भी अपने घर को वापस लौट आते हैं। बताओ यदि सूरज ना हो तो क्या क्या नहीं होगा। बच्चों यदि सूरज ना हो तो दुनिया में अंधेरा छा जाएगा और धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा। बच्चों वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिख सकते हैं आंसर्स को। अब है आपको बोल बोलकर इसको दोबारा से लिखना है। जैसे यहाँ चांद लिखा है तो आपको यहाँ चांद लिखना है, यहाँ रंग लिखा है तो यहाँ रंग लिखना है, माँ लिखा है तो यहाँ पे माँ लिखना है, मंजन लिखा है तो यहाँ मंजन लिखना है, गांव है तो यहाँ गांव लिखेंगे, ठंडा है तो यहाँ ठंडा लिखते हैं। आइए लिख लेते हैं, चांद, रंग, माँ, मंजन, गांव और ठंडा। इस तरह से आप अपनी बुक में इसको भर लेंगे बच्चों। जानो, चांद यानी चंद्रमा, सूरज यानी सूर्य को बोलते हैं, धरती हम पृथ्वी को बोलते हैं, आकाश हम अंबर को बोलते हैं। तो ये आपको जानना है यानी पढ़ना है, याद करना है। नेक्स्ट, चांद पर आपको कोई कविता सुनानी है अपनी कक्षा में, तो आपको बहुत सारी कविताएं हैं जो आपकी माँ ने सुनाई होंगी। अगर नहीं है तो मैं यहाँ पर एक कविता आपको लिख के दे दे रही हूँ, आप इस कविता को याद करके
क्लास में सुना सकते हैं बच्चों और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और मैम को खुश कर सकते हैं। तो चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, आप खाएं थाली में मुन्ने को दो प्याली में, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, प्याली गई टूट मुन्ना गया रूट, लाएंगे नई प्यालियां बजा बजा के तालियां, लाएंगे नई प्यालियां बजा बजा के तालियां, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के। तो इस तरह से इस पोएम को आप बच्चों अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इसे याद करके मैम को सुना देंगे क्लास में।